और राजनेताओं के ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापामार कार्रवाई की है। मामले में पूर्व सीएम अजीत जोगी ने कहा कि बिना किसी बड़े इनपुट के बड़े लेवल पर कार्रवाई संभव नहीं है, मजबूत इनपुट है, इसलिए सुनियोजित तरीके से छापामार कार्रवाई की गई। अजीत जोगी से खास बातचीत की सुराज संवाददाता सत्य राजपूत ने। के सीएम भूपेश बघेल के करीबियों के घर में छापा पड़ा है और छापा को अब राजनीतिक रूप दिया जा रहा है। तरह तरह के बयान सामने आ रहे हैं। इस वक्त पूर्व सीएम हमारे पास अजीत जोगी जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि छापा को लेकर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। आप इस छापा को किस तरह से देखते हैं? देखिए, अभी कोई भी प्रतिक्रिया देना उचित नहीं है। छापे के बाद अगर कुछ निकलता और सार्थक परिणाम होते हैं तो ये माना जाएगा कि जो छापा मारा गया वो सही था। अगर कुछ नहीं निकलता है और ये लोग निर्दोष पाए जाते हैं तो ये माना जाएगा कि ये छापे राजनीतिक द्वेषवश किए गए थे। पर अभी की स्थिति में जब छापा चल रहा है कोई भी टिप्पणी करना उचित नहीं है। जहाँ तक इन तमाम लोगों का सवाल है, सबने मेरे साथ काम किया है, सबको मैं अच्छी तरह से जानता हूं और सबने जब तक मैं उनको जानता रहा हूं नज़दीक से बहुत अच्छा काम किया है। फिर भी यदि छापे में ऐसे परिणाम आते हैं जो उनके खिलाफ जाते हैं, भ्रष्टाचार को इंगित करते हैं, तो केंद्र सरकार की कार्रवाई को उचित मानना पड़ेगा। ये पॉलिटिकल फंडिंग का मामला बताया जा रहा है, एक पॉलिटिकल फंडिंग का इनपुट मिला था, उसके आधार बनाकर ये छापा मारा गया है। देखिए, कोई ना कोई इनपुट तो जरूर मिला होगा। केंद्र सरकार विशेषकर इनकम टैक्स ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट बिना प्रारंभिक गोपनीय सर्वे किए कोई भी बड़ा छापा नहीं मारती। तो इतना अवश्य है कि कोई प्रारंभिक सर्वे किया होगा, कोई संदेह हुआ होगा, कोई जानकारी मिली होगी, पॉलिटिकल फंडिंग की हो या अन्य हो, उसके बाद ही छापा मारा गया है। पर छापा मारने के बाद परिणाम क्या आता है ये महत्वपूर्ण। आपका तो अभी आपने पूर्व सीएम अजीत जोगी को सुना, जिनका साफ कहना है कि अभी इसमें कहना उचित नहीं है जब तक इसका परिणाम सामने ना आ जाए। और यहाँ पे जो सवाल उठाए जा रहे हैं लगातार कि बिना सूचना के ये या बिना पुलिस के सहायता से ये छापेमार कार्रवाई की गई है, तो उनका राइट्स है, ये साफ साफ उन्होंने कहा है कि उनको गोपनीयता बरतने के लिए या एहतियातन बरतना पड़ता है। कैमरामैन चोला राम के साथ सत्या राजपूत, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। गाडरवारा में शक्ति शुगर मिल